A very warm welcome you all. So today we are going to deal with Rasayan Vigyan यानी कि chemistry. 11th to 12th teacher BPSC में ये पूछा गया question paper है, जिसको हम देखने वाले हैं कि ये लोग question किस तरीके से frame करते हैं और क्या level रहता है. अगर आप biology से हैं तो ये आपके लिए काफ़ी beneficial रहेगा, क्योंकि TGT में भी पूछा जाता है chemistry. तो चलिए start. Question इन्होंने पूछा है कि द मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इन थैलेसीमिया, इनमें से किसकी है. तो देखिए, इनमें ऑप्शन ये दिया है क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन. तो देखिए, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इन थैलेसीमिया इंक्रीज़ होती है, बढ़ती जाती है. बट आपको फ्लोरीन का ना हो कि क्लोरीन का होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन में जो है वो उसकी साइज छोटी होने की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्सन होने लगता है, ठीक है. इसीलिए क्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, या सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इन थैलेसीमिया. क्वेश्चन में आपसे पूछा कि जो डेटा नीचे आपको एक्सप्रेस किया गया है उसमें से साइंटिफिक नोटेशन कौन सा है. तो देखिए, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जब हम पावर के फॉर्म में उसे लिख देते हैं, ठीक है, जीरो को रिड्यूस करके और उसको पावर के फॉर्म में कर देते हैं, तो ये तीनों ही जो है वो साइंटिफिक नोटेशन है. तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मोर देन वन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, नाइट्रोजन हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन से रूल को फॉलो करता है? क्या पॉलीज रूल है, या अफवर्फ है, या हुंड्स रूल है, या मोर देन? तो ये होता है आपका हुंड्स रूल. हुंड्स रूल में क्या होता है कि सबसे पहले ऑर्बिटल्स में 1-1 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, अगर उतना नहीं हो पा रहा देन 2-2 हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से. तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कौन बताता है, तो ये बताता है हुंड्स रूल. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास आयनिक बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी है. तो देखिए, ऑप्शन सी आप देख सकते हैं. इसमें क्या है, NH4 जो है उसके पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बना रहा है कोवेलेंट बॉन्ड और Cl से बना रहा है आयनिक बॉन्ड, ठीक है. तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सोडियम का कितना होता है, तो ये होता ऑप्शन बी 2.2. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मेटालिक कैरेक्टर आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये आपको एलिमेंट दिया गया है. तो आप सभी को पता है, जब हम पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और जब आप लेफ्ट साइड में जाते हो तब भी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. ग्रुप फर्स्ट का सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होता है. ग्रुप फर्स्ट में जो है वो सोडियम है, तो सोडियम यहाँ 2 जगह है. उसके बाद मैग्नीशियम का होगा सेकंड में है, ठीक है, मैग्नीशियम का होगा. कन्फ्यूज़न यहाँ होगी सिलिकन एंड बेरियम की. तो देखिए, बेरियम जो है वो सेकंड में आता है, सिलिकन जो है वो सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है. तो ये सबसे कम हो जाएगा, देन ये आएगा, तो ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि SPDF नोटेशन में अगर क्वांटम नंबर 2 है और L इक्वल टू 1 है तो बताइए इनमें से कौन सा नोटेशन होगा. तो देखिए, अगर आपको पता है कि L की वैल्यूज़ क्या होती है तो आप इसे ईजिली कर सकते हैं. कैसे? जैसे L की वैल्यू होती है S के लिए कितनी होती है, 0. L की वैल्यू P के लिए होती है 1. L की वैल्यू D के लिए होती है 2. L की वैल्यू F के लिए होती है 3. तो ये 3 होते हैं, और अगर आपने देखा तो P का जो है वो 1 है. तो L अगर 1 है तो क्या होगा, तो ये होगा 2P. ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पोलोनियम जो है बिलोंग टू विच पीरियड एंड ग्रुप इन द पीरियडिक टेबल. तो ये आपको पीरियडिक टेबल में देखना पड़ेगा कि ये कहाँ बिलोंग करता है. तो ये बिलोंग करता है 6th पीरियड एंड ऑक्सीजन ग्रुप, यानी 6th पीरियड में ऑक्सीजन ग्रुप में ये बिलोंग करता है. तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. इस क्वेश्चन आपसे एक न्यूमेरिकल टाइप पूछा, 2.5 लीटर फ्लास्क कंटेन 0.25 मोल ऑफ ईच सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, दी पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 क्या होगा. पार्शियल प्रेशर आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है. तो देखिए, आपको सारी चीज़ें दी गई हैं. अगर आपको पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला याद है तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे, NRT/V, ठीक है. बस यही फॉर्मूला आपको कर देना पुट, आपको सारी चीज़ें दी. सो आपको N भी दिया गया है, आपको R पता ही होता है, ये क्या है, ये गैस कॉन्स्टेंट है, ठीक है. और उसके बाद टी आपको चेंज करना, 27 दिया गया है तो इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है सेल्सियस को, ठीक है. आपने ये सारी चीज़ें करने के बाद 2.49 × 10⁵ पास्कल
आ जाएगा आंसर। कि एक आपसे फॉर्मूलाज ने पूछ लिया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ऑन बेस्ड ऑन डायमेंशन आर्गूमेंट, इसमें से कौन सा डायमेंशन आर्गूमेंट के ऊपर करेक्ट फॉर्मूला है? तो ये कौन सा है, के इक्वल टू वन अपॉन एम वे स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू वन अपॉन एम वे स्क्वायर, ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि ज्योमेट्रिकल शेप पी सी एल फाइव मॉलिक्यूल का क्या होगा। तो ये क्या कैसा होता है, ये होता है आपका ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, और ये एनसीईआरटी में आपको चैप्टर थ्री में बहुत आराम से मिल जाएगा, सारे जितने भी उसमें शेप्स दिए गए हैं और हर एक मॉलिक्यूल का शेप बताया गया है किस तरीके का, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से कुछ होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टी सेप ज्योमेट्री इनमें से किसकी होती है, ठीक है। तो टी सेप किसकी होती है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो ये भी आप वहाँ पे देख सकते हैं, ये भी उस चार्ट में दिया गया है, एनसीईआरटी की बुक आप खोलेंगे केमिस्ट्री की तो उसमें मिल जाएगी 11th की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए आइसो स्ट्रक्चरल इनमें से कौन सा है, ठीक है। इनमें से कौन सा आइसो स्ट्रक्चर, तो सी ओ का जगह अगर हम बनाते हैं स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा आता है, यानी लीनियर आता है, तो लीनियर इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। लीनियर होता है एल्काइन का, ये इस तरीके से होता है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो दोनों ही कैसे हैं, आइसो स्ट्रक्चरल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके पास जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट की बात करें तो ये डाइपोल मोमेंट का कि किसी तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, दो पोल्स हैं, ठीक है। तो देखिए अमोनिया में भी डाइपोल मोमेंट होता है और वाटर में भी डाइपोल मोमेंट होता है, बट अगर आप CO2 की बात करें तो ये होता है लीनियर। अभी हमने देखा इसका स्ट्रक्चर, तो लीनियर होने की वजह से ये क्या होता है, एक दूसरे को कर देते हैं कैंसल आउट, ठीक है। तो इसमें ज़ीरो डाइपोल मोमेंट होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। अब चलिए इसको काउंट करते हैं। देखिए अगर पाई और सिग्मा की बात करें तो पाई जो बॉन्ड होता है उसको फॉर्म करने के लिए पैरेलल जो है ओवरलैपिंग होती है, और जो सिग्मा है उसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। तो इसमें पाई अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें टू जो होते हैं वो पाई होते हैं, तो यहाँ पे एक पाई, यहाँ पे एक पाई और यहाँ पे एक पाई, तो तीन पाई हैं, ठीक है। बाकी सब क्या हैं, सिग्मा है। तो पाई कितने हैं, थ्री हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए रिपल्सन जो है वो मैक्सिमम किस में होता है। तो अगर आपने पढ़ा हो तो रिपल्सन सबसे ज़्यादा किस में होता है, लोन पेयर में होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोन पेयर में होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, फिर बॉन्ड पेयर में होता है। तो ये इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जब सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं NaCl का फॉर्मेशन करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, देनी पड़ती है, एब्जॉर्ब करते हैं या रिलीज होती है। तो देखिए एनर्जी जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है जब कभी भी बॉन्ड बनता है, क्योंकि दोनों ही अनस्टेबल होते हैं, देन बॉन्ड बनने के बाद स्टेबिलिटी आ जाती है और उसके बाद एनर्जी रिलीज हो जाता है, ठीक है। इज रिलीज एंड आइनिक बॉन्ड, आप सभी को पता है सोडियम क्लोराइड कैसा है, एक आइनिक बॉन्ड है, ठीक है। सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गैस को हम लिक्विफाई कर सकते बाई प्रेशर वनली इफ टेम्परेचर कैसा हो, तो हम लिक्विफाई कर पाएंगे, मोर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो तो नहीं कर सकते, लेस हो, यस, अगर लेस होगा क्रिटिकल टेम्परेचर से या थ्रेशोल्ड एनर्जी से तो क्या होगा, वो लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम प्रेशर बढ़ा के और टेम्परेचर घटा के ये प्रोसेस करते हैं, और जब क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो जाता है तो कोई भी गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो इन्वॉल्व करता है होमोजेनस इक्विलिब्रियम, इनमें से कौन सा होमोजेनस इक्विलिब्रियम। तो देखिए होमोजेनस मीन्स सारे जितने भी इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हों वो सारे एक ही फेज में हों, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन ए जो है, ये सारे ही गैसेस हैं,
NO2 गैस है, N2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो ये तो सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आयरन जो है वो सॉलिड है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये सॉलिड और यहाँ पे ये गैस है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि NH3 यानी अमोनिया है वो डिकम्पोज हो जा रहा है N2 में और S2 में, ठीक है, तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है, क्या फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड या थर्ड या ज़ीरो? तो ये आपका है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। बिल्कुल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमें पता है तो उससे हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कर सकते हैं हम, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्ट, बिल्कुल कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम बता सकते हैं अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो। बट ये जो दिया है कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ऐसा नहीं होता, तो ये गलत है। बट दो सही है, अगर दो सही है तो मोर देन वन ऑप्शन इन द अबव, तो ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि ब्रेक्स लॉ जो है सॉलिड स्टेट अगर आपने पढ़ा है तो उसमें है ब्रेक्स लॉ के बारे में, ठीक है, तो इनमें से कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ब्रेक्स लॉ क्या होता है, एन लेमडा इक्वल टू 2d sin थीटा, तो कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन बी में है, एन लेमडा इक्वल टू 2d sin थीटा। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कंजुगेट एसिड फॉर द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस आपको ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे, और इसके जो हैं कंजुगेट एसिड्स क्या है ये आपको लिखने हैं। तो क्या है, NH2 माइनस का क्या होगा, NH3 होगा, NH3 का क्या होगा, NH3 का होता है NH4 प्लस, और HCO माइनस का क्या होगा, HCOOH। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ब्रोंस्टेड बेस में और एसिड में क्या होता है, इसमें कंजुगेट एसिड और बेस बनते हैं और मेनली हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए का है। इस क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इनमें से क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो KMnO4 में ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालने जाएंगे तो 7 आएगा, K2Cr2O7 में निकालेंगे तो 6 आएगा, और KClO4 में निकालेंगे तो 7 आएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ऑक्सीडेशन निकालने के लिए इस तरीके से इस क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा करेक्ट इक्वेशन है। तो अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो ऑब्वियसली इससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। करेक्ट इसका इक्वेशन है डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ऑप्शन बी जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। हाइड्रोक्सिल आयन इज अ लुईस बेस, हाइड्रोक्सिल आयन जो है क्या वो लुईस बेस है, सही है, लुईस बेस है। देखिए यहाँ पे दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद NH3 एक्ट एज अ लुईस एसिड, बिल्कुल लुईस एसिड, इसके पास क्या होता है, बैक एंड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये एक लुईस एसिड है। नेक्स्ट है कि अ प्रोटॉन इज लुईस बेस, क्या प्रोटॉन लुईस बेस होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, प्रोटॉन लुईस बेस नहीं हो सकता, एसिड ज़रूर हो सकता है, OH हो सकता है बेस, तो यही गलत है, उसमें इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ऑप्शन सी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन वेपराइजेशन ऑफ वाटर द एंट्रोपी, उसकी एनर्जी जो है उस पर क्या चेंज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो ऑब्वियसली एंट्रोपी तो इंक्रीज होगी ना, तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एंट्रोपी मीन्स एक तरीके से एनर्जी, एनर्जी बढ़ेगी तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, देन वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट करेंगे और वो धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होने लगेंगे या वाटर वेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो कौन सा है, BaCl2 जो है वो इजिली डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, ठीक है, NaSCO3 भी डिजॉल्व हो जाता है, बट BaSO4 जो है वो अच्छे से डिजॉल्व नहीं होता है, और ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, द कलर ऑफ इंडिकेटर इज इन बिटवीन द बिटवीन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग एसिड एंड इट्स आयन, क्या सिर्फ इंडिकेटर जो है एसिड और आयन्स के बीच में होता है, तो ये तो गलत है, गलत है ये।
मिथिल ऑरेंज जो है वो रेड कलर हो जाता है एसिडिक रीजन में और येलो कलर हो जाता है एल्कलाइन रीजन में। तो ये बिल्कुल ही सही है। तो ये इंडिकेटर्स अगर आप पढ़ेंगे तो मिथिल ऑरेंज जो है वो रेड हो जाता है एसिडिक में और येलो हो जाता है एल्काइन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सी भी देख लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक इंडिकेटर, सिर्फ एसिडिक इंडिकेटर होता है, बिल्कुल नहीं। सी जो है वो, सॉरी बी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी। ठीक है, तो H2O दिया है, H2S दिया है, HS दिया है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसकी कम होगी, देखिए H2O की होनी चाहिए थी, बट क्यों नहीं होती, क्योंकि इनमें क्या होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत टाइट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। FON आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन इन तीनों से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, अगर ये इस हाइड्रोजन के साथ है तो। ठीक है, तो बिल्कुल, तो ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये नहीं होगा। और इसका जो है, जब आप नीचे जाते हैं ना ग्रुप में, तो साइज बढ़ती है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, बढ़ने लगती है, तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी बॉइलिंग पॉइंट। तो हाइड्रोजन H2O की भी नहीं होगी, H2S की भी नहीं, बचा कौन, H2S। तो बी जो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से सुटेबल इंडिकेटर है टाइट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड के लिए और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो नेफ्थलीन जो है वो बहुत सुटेबल होता है टाइट्रेशन के लिए इन दोनों के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इनमें से करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन्स कौन सा होता है। तो सबसे ज़्यादा इनमें से होता है HI का। ठीक है, HI सबसे हाई पे होता है, तो बी में आपको दिया है, बट ये इक्वल टू का साइन लगा दिया है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है क्यों लगाया है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है HI की सबसे ज़्यादा होती है, इसमें इक्वल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। खैर, बी ऑप्शन आप करेक्ट मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट कैथोड एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट एनोड, क्या ये सही है। ऑक्सीडेशन देखिए कैथोड पे नहीं होता है, ये होता है एनोड पे। ठीक है, और रिडक्शन जो है वो एनोड पे नहीं होता, किस पे होता, कैथोड पे होता, ये आपका गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो निगेटिव ई मीन्स द रिडॉक्स कपलेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही है, जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा ये रिडॉक्स कपलेट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जितना ही ये पॉजिटिव होगा उतना ही ये वीक होगा। तो ये दोनों ही सही हैं, ये भी सही, ये भी सही, तो ऑप्शन डी है मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है CLF3 का, तो CLF3 का कितना होता है, तो ये होता है आपका SP3D। ठीक है, SP3D करेक्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ब्रोंस्टेट एसिड आपको बताना है, और माफ़ करिएगा, कंजुगेट बेस बताना है, ब्रोंस्टेट एसिड दिए हुए हैं, HF दिया है, H2SO4 दिया है, HCO2- दिया है। तो आपको एसिड्स दिए गए हैं, आपको कंजुगेट बेसिस निकालने हैं, तो बस आपको क्या करना है, इसको HH को रिमूव करवा देना है, जो बचेगा वो इसका हो जाएगा कंजुगेट बेस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो है वो है करेक्ट। तो ये क्वेश्चंस यहाँ तक कर लिए हैं, अब इसके आगे बहुत सारे भी क्वेश्चन बाकी हैं, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकूँ। होप यू अंडरस्टैंड, बाय।